أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صلوات محمد برادرانِ عزیز ہمارا یہ اعزاز کیا کم ہے کہ رب اکبر ہمیں اپنا مخاطب قرار دیتا ہے قرآنِ مجید تمام افراد بشر کے لیے خطابِ رحمتِ الٰہی ہے بے شک مخاطب اول قرآن مجید کے خطیب قرآن حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن جگہ جگہ اس نے کہیں یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر ایمان لانے والوں کو پکارا اور کہیں عام انسانوں کو بھی پکارا اگر عظمت انسانی کے تعلق سے کوئی علیحدہ مضمون اور کوئی مستقل آیت قرآن مجید میں نہ بھی ہوتی تو صرف مخاطب بارگاہ الہی قرار پانا ہی انسان کی عظمت کے لیے کافی تھا کل میں نے گزارش کی تھی کہ دنیا کے مفکرین فلاسفہ ادباء شعراء نے انسان کی عظمت اس کی اہمیت انسان کی قدر و قیمت اس کائنات میں اس کی حیثیت پر گفتگویں کی ہیں اظہار نظر فرمایا ہے ان کے افکار ہمارے سامنے ہیں لیکن وہ تمام کے تمام افکار و نظریات ایک طرف اور قرآن مجید نے جو انسانی عظمت کا معیار پیش کیا ہے وہ ایک طرف سب سے پہلا شرف تو یہی ہے کہ مخاطب قرار دیا لیکن لطف الہی لطف و کرم خدا کہ ہم میں سے ہر ایک یہ اعزاز رکھتا ہے ہر فرد
कोई एक इंसान नहीं है जो कह सके माबूद तूने मुझे मुखातब नहीं करा। क्या रहमत उमूमी है, क्या जर्रा नवाजी है, क्या शान रुबूबियत है, क्या फैजान रहमानियत है। हर फर्द को मुखातब करार दिया, हर इंसान को मुखातब करार दिया। और कुरान मजीद के ताल्लुक से आप ये फरमा सकते हैं कि इस बयान के ताल्लुक से जो मैंने अभी अर्ज़ किया कि ये तो एक उमूमी ख़िताब है, लेकिन इसी कुरान मजीद में ख़ुसूसी ख़िताब का ज़िक्र भी है। सूरह मुबारका आराफ में याद करो उस वक्त को कि जब हमने बनी आदम की पुश्तों से उनकी ज़ुर्रियतों को निकाला और मुखातब करार दिया। وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ। एक एक को मुखातब करार दिया है, तकवीनी सतह पर मुखातब करार दिया, तशरीई सतह पर मुखातब करार दिया। उसने हमसे ज़बान तकवीन में भी गुफ्तगू की, लिसान वजूद से भी गुफ्तगू की और लहजे लुत्फ़ करम से भी नवाजा। किस कदर नवाजा है रब ने। मुखातब करार देना खुद सबसे बड़ा एजाज़ है। देखिए ना, मैं छोटी सी मिसाल दे दूँ, अदबा शुअरा और अहले फ़िक्र हज़रात के लिए तो इशारा ही काफ़ी है, लेकिन जो हमारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनके लिए मिसाल दे दूँ कि फ़र्ज़ कीजिए आपकी ममलिकत के इस्लामी के सदर मोहतरम यहाँ आए, वो एक उमूमी ख़िताब है, तो ज़ाहिर है कि अहले मुल्तान के लिए वो बहुत एज़ाज़ की बात होगी। लेकिन वो ख़िताब के दौरान किसी एक नौजवान को बतौर ख़ास ख़िताब करें, तो वो उसके लिए हमेशा एक एज़ाज़ की बात होगी और एक ऐसी याद होगी जो मिटेगी नहीं। परवरदिगार आलम ने ख़ुसूसियत के साथ हर फ़र्द से ख़िताब किया और सब ने बला कहा, और सितम यह है इंसान का कि उसके बावजूद उस बला को याद न रखा। अब यह सितम है या नहीं, मगर किस पर सितम है? खुद अपने आप पर सितम है। ऐसे इंसान को जलूम कहा जाएगा कि नहीं? अरे सितमगर, अरे सितम पेशा, अरे जफा पेशा, तू अपने ऊपर जफा करता है। और जब हम सितमगर कहेंगे, सितम पेशा कहेंगे, जफागर कहेंगे, जफा पेशा कहेंगे, तो आप बुरा भी नहीं मानेंगे, इसलिए कि जब हम कहेंगे तो मोहब्बत से कहेंगे। हमारे सामने अदबा शुअरा मौजूद हैं, इनसे पूछिए कि गज़ल की ज़बान दूसरी असनाफ़ की ज़बान से मुमताज़ क्यों है। गज़ल को में दोस्त को हरीफ कहते हैं, इल्तिफात माशूक को सितम कहते हैं,
और जब आशिक व माशूक का राबिता खूब उस्तवार हो तो आशिक माशूक को जालिम कहता है और माशूक आशिक को बेवफा। माशूक का आशिक को बेवफा कहना ही सनद वफा बन जाता है। ये गज़ल की तहजीब है, गज़ल का डिक्शन है, ये गज़ल का ट्रेडिशन है, है? जब आप अपने माशूक को गज़ल में कहते हैं सितम पेशा, सितम गर, जफा जू, जालिम, तो क्या नऊज़ु बिल्ला किसी को ये शुबा हो सकता है कि आपका माशूक टेररिस्ट है? आपने वाकई किसी टेररिस्ट से मोहब्बत कर रखी है? ऐसा नहीं है, बल्कि इन अल्फाज के, इन ताबीरात के, इन तराकीब के पीछे बड़ा तहजीबी शऊर कार फरमा होता है, बहुत आदाब इश्क कार फरमा होते हैं। इश्क के अदब हैं, इश्क के आदाब हैं, इश्क के मरातिब हैं, और इजहार इश्क के सलीक़े हैं। इजहार इश्क में खुद सताई रवा नहीं है। इजहार इश्क में खुद सताई रवा नहीं है, लेकिन माशूक को या उससे गुफ्तगू को या उससे अहद पैमान को भुला देना या उससे गाफिल हो जाना, ये तो हकीकतन बहुत बड़ा सितम है। और हमने रोज़े अलस्त, अहद अलस्त बला कहा और फिर गाफिल बैठे हुए। फिर उस जुमले का इरादा करूँ, सबसे बड़ा शरफ तो यही कि हमें मुखातब करार दिया, और तकवीन के मरहले में भी मुखातब करार दिया, तकलीफ के मरहले में भी मुखातब करार दिया। सिर्फ मुखातब करार दे देना यही इक़ाए अज़मत है, लेकिन कोई जिम्मेदारी सौंप देना ये और भी एज़ाज़ व इफ्तिखार में इजाफा है। मैं मेहमान के तौर पर आया हुआ हूँ और तमाम मोमिनीन बहरहाल मोहब्बत फरमाते हैं, तशरीफ़ लाए हैं, और मजलिस के बाद मैं किसी एक से खुसूसियत से ख़िताब करूँ, और जब वो मिजाज कुर्सी करे और इजहार मोहब्बत करे तो मैं कहूँ कि देखिए इजहार मोहब्बत तो बहुत लोग करते हैं, मगर आपके सुपुर्द मैं एक काम कर रहा हूँ, एक जहमत दे रहा हूँ आपको। मैं ये कहूँगा कि मैं एक जहमत दे रहा हूँ, मैं एक तकलीफ़ दे रहा हूँ, और जिससे मैं कहूँगा वो फ़र्त मोहब्बत से कहेगा ये जहमत नहीं, ये तो एजाज की बात है। ये तो आपका लुत्फ है, आपका करम है, आपकी मोहब्बत है कि आपने अपना कोई काम मेरे सुपुर्द किया। तवज्जो है, सिर्फ खिताब करना, मुखातब करार देना, इल्तिफात करना, ये एक अताए अजमत, और कोई तकलीफ आयद कर देना, कोई जहमत दे देना, कोई जिम्मेदारी सुपुर्द कर देना, कोई फरीजा वजीफा दे देना, ये अजमत में इजाफे का सबब है, ये इफ्तिखार और एजाज की बात है। परवरदिगार का करम यह है कि उसने हम में से हर एक को मुखातब भी करार दिया और हर एक को मुकल्लफ भी करार दिया। इंसान सजदे को अपने लिए गरा समझता है, इंसान नमाज को अपने लिए एक बोझ समझता है, इंसान तकालीफ़ शरईया को अपने लिए बार समझता है। ये बार नहीं है, ये एजाज है, इफ्तिखार है।
नाज करने की बात है। ए रब, तूने सजदा मुझ पर वाजिब करार दिया, किसी और मखलूक पर वाजिब करार नहीं दिया। ये आयत करीमा जो मैंने कल गुजारिश की थी और उसके ज़िम्न में आज़मत इंसानी की गुफ्तगू शुरू की थी और इंसान की कद्र कीमत की बात आई थी, आज़मत का भी तसव्वुर कीजिए और कद्र कीमत का भी तसव्वुर कीजिए। कितने लोग हैं इस मुल्क में मगर अगर सरबराह ममलकत किसी एक फ़र्द का इंतखाब कर ले और उसके सुपुर्द कोई जिम्मेदारी कर दे तो उसकी कीमत कितनी होगी। उसकी कीमत कितनी होगी, हम में से हर शख्स सोचे कि हमारी कीमत कितनी है, कितनी कीमत है हमारी। तवज्जो है, इंसान की आज़मत और इंसान की कीमत। देखिए दो चीज़ें साथ साथ अर्ज कर रहा हूँ। आज़मत तो एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, एक मौजूदी तसव्वुर है। आज़मत में मौजूदियत पाई जाती है, कीमत उस मौजूदियत को मारूजियत में बदल देती है। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दूँ, कराची में भी दे चुका हूँ, यहाँ भी। हमारे यहाँ अज़मत व एहतराम के तो माशाल्लाह बहुत से असालीब हैं। हम उलमाए दीन का एहतराम करते हैं, खूब एहतराम करते हैं, क़िबला व काबा से नीचे नाम नहीं लेते हैं। और इतना एहतराम करते हैं कि इनके कदमों में अपना सर रखते हैं, नमाज जमात पढ़ते हैं ना, नमाज जमात के मानी क्या है, जहाँ इमाम का कदम वहाँ मामूम का सर। आप किसी और के पीछे इस तरह झुकेंगे नहीं झुकेंगे। जहाँ इमाम के कदम होते हैं वहाँ मामूम का सर होता है। तो आप एहतराम बहुत करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं, मगर आम तौर पर जो हमारे माशरे में एक चीज़ राइज है कि जब आप उनकी कीमत मुअय्यन करते हैं तो आप देख लीजिए कि मस्जिदों के जो पेश नमाज हजरात हैं उन्हें कितनी तनख्वाहें देते हैं आप। तनख्वाह का तसव्वुर ही इसमें लफ्ज तनख्वाह भी मुनासिब नहीं है यहाँ पर, मगर बहरहाल हदिया जो है आप मुअय्यन करते हैं। तो हो सकता है ये ममलिकत इस्लामी है और यहाँ अइम्मा की कदर व कीमत बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हम जिस मुल्क में रहते हैं हिंदुस्तान में, वहाँ तो हर मस्जिद में ये मसला खड़ा रहता है कि जनाब वाला पेश नमाज की का हदिया इतना नहीं होता कि सुकून से वो एक महीना गुजार सके, जबकि ज़रूरियात ज़िंदगी तो बराबर से, ज़रूरियात ज़िंदगी बराबर से, लेकिन आप जब उसकी अज़मत उसके एहतराम उसके मकाम को मारूजियत में बदलते हैं तो कीमत बहुत कम रखते हैं, है ना। और जब कीमत के मुकाबले में एहतराम बहुत करते हैं, गोया आपकी दाद से उसका पेट भर जाएगा, आपके आदाब व तस्लीमात से उसके बच्चे पल जाएंगे, आपकी दस्तबोसी उसके बच्चों की स्कूल का फी की फीस अदा कर देगी, है ना, यही तसव्वुर होगा। बहरहाल मैं जो इस वक्त अर्ज़ कर रहा था ये तो दरमियान में बात आ गई
मकसद ये नहीं था कि इसे छेड़ूं, अर्ज ये कर रहा था कि आज़मत एक मौजूई तसव्वुर है, आज़मत में मौजूईत है। कितनी आज़मत? आज़मत कोई नाप नहीं सकता, आज़मत कोई तोल नहीं सकता, आज़मत को किसी बांट, किसी बटखरे, किसी पैमाने, किसी वज़न के मुकाबले में नहीं रखा जा सकता। लेकिन कीमत वो चीज़ है कि जो मुअय्यन की जा सकती है। इंसान की आज़मत का सिर्फ कसीदा पढ़ते रहें तो बात बनेगी नहीं, लेकिन कीमत अगर मुअय्यन करना चाहें तो ये गौर फरमाएं कि इंसान की कीमत इस लिहाज से मुअय्यन करें कि उसके सुपुर्द खिदमत किसने की है। तवज्जो है, किसने उसके सुपुर्द की, किसने उसको अपने काम के लायक समझा। तो ये तो अमूमी कीमत का और कदर का और आज़मत का एक पैमाना हुआ इंसान के लिए, बात इंसान की है। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं ये मबाहिस इसलिए छेड़ता हूँ कि मैं किसी एक मज़हब व मसलक के लिए या किसी एक गरोह के लिए गुफ्तगू नहीं करता। इस्लाम तमाम इंसानों के लिए आया है और इस्लाम आया इसलिए है कि इंसान को इंसान बनाए रखे। काश ये जुमला महफूज रह जाए, हमारी माएँ हमारी बहनें जो सुन रही हैं वो भी समझें इस बात को कि इस्लाम या दीन खुदा, दीन कुरान, दीन मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान को इंसान बनाए रखने के लिए आया है। मैं जुमला संभल के कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ इंसान को इंसान बनाने के लिए आया है। इंसान को इंसान बनाए रखने के लिए आया है। और अल्लाह का करम यह है कि उसने हमें इंसान बनाकर भेजा। खतरा ये था कि इस दुनिया में आकर हमारी गफलतें हमें इंसानियत के दर्जे से गिरा देंगी, तो इस्लाम भेज दिया ताकि हम इस्लाम के आईने में अपने को देखते रहें और इंसान बने रहें। उसने इंसान तो बनाकर भेजा है, उसके बाद उसने इस्लाम इसलिए भेजा ताकि हम इंसान बने रहें। उसने ऐलान फरमाया, लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, हमने इंसान को बेहतरीन तकवीम के साथ खल्क किया है, बेहतरीन पैमाने वजूद में ढाला है हमने फितरत इंसानी को, फितरत इंसानी को, वजूद इंसानी को, ज़ात इंसानी को, शख्सियत इंसानी को, इस्तेदाद इंसानियत को हमने बेहतरीन अंदाज़े वजूद में ढाला है। मगर हमने ढाल दिया, एक बार भेज दिया, अब हमारा उसूल है कि जो उस मेयार पर बाकी रहेगा वो सरफराजियां हासिल करता चला जाएगा, और जो उस मेयार को बाकी रखने की कोशिश नहीं करेगा तो रदद ना हो असफल साफलीन, हम उसे असफल साफलीन तक गिरा देंगे। लेकिन वो जो अहसन तकवीम है वो हद वसत है। अहसन तकवीम अहसन का कलिमा है, अहसन का तक कलिमा यानी अरबी में सुपरलेटिव डिग्री है। अहसन से उसने जब शुरू किया है तो पहुंचाएगा कहां तक?
करम इलाही है। एक बलंतर सलावात पढ़ दें महान जो है, क्या करम है उसको। इब्तिदा एहसन से हुई है और एहसन होने का पैमाना क्या है कि उसने खुद अपना मुखातब करार दिया और खुद आपको मुकल्लफ करार दिया, अपनी इताअत के लिए मुंतखब किया। इताअत के लिए इंतखाब करना ही हमारे लिए दर्जाए कमाल था। मगर इस दर्जाए कमाल से जब आगाज हुआ है तो अंजाम इसके अलावा क्या होगा कि जो उसकी इताअत में कामिल उतरे उसे अपनी मर्जियों का मुख्तार बना दे। यानी ये बातें गैर मंतिकी नहीं हैं, ये बातें अकीदत मंदाना नहीं हैं, ये बातें ज़रूरत खिताबत के तहत नहीं कही जा रही हैं। खिताबत इस हकीकत की ज़रूरत है कि ये बात, ये हकीकत, ये पैगाम आप तक पहुंचाया जाए। इंसान अपनी अजमत को तो समझे। हम और आप कितना शुक्र अदा करें खुदा का, उसने इंसान बनाया, फिर उसने मुसलमान बनाया, फिर उसने अहले ईमान बनाया, उसने अहले विला करार दिया, उसने हमें ऐसा इंसान नहीं बनाया कि जिसके पास जहन ना हो, उसने हमें ऐसा इंसान नहीं बनाया जिसके पास कल्ब ना हो, उसने इंसान बनाया और जहन और कल्ब देकर बनाया, और जहन दिया तो बता दिया कि अहले मारिफत होना, और कल्ब दिया तो बता दिया कि अहले मोहब्बत होना। क्या फरमाया? और उसके बाद जब उसने दो चीज़ें दी, जहन दिया, कल्ब दिया, जहन अता किया इल्म साजी के लिए, कल्ब अता किया इश्क साजी के लिए। कल यहाँ तक बात पहुँच गई थी, इसलिए बात अब उससे आगे बढ़नी चाहिए। जहन अता किया इल्म मारिफत के लिए, कल्ब अता किया इश्क मोहब्बत के लिए, और कल ये बात मैंने अर्ज़ की कि इल्म और इश्क में या अक्ल और इश्क में तजाद का कोई रिश्ता नहीं है। और इसका एक उसूल समझ लें बुनियादी कि जितने सिफात वजूदी होते हैं उनमें तजाद का रिश्ता मुमकिन नहीं है। जितनी सिफतों के लिए कहा जाता है कि ये सिफतें पाई जाती हैं उनमें तजाद का रिश्ता नहीं हो सकता। तजाद तो सिर्फ वजूद और अदम में होता है, वजूद यानी होना, अदम यानी ना होना, हस्ती और नीस्ती, यह है तजाद, नूर और जुल्मत, यह है तजाद, इल्म और जहल, यह है तजाद, मोहब्बत और अदावत, यह है तजाद, है ना। लेकिन अदावत कहते किसे हैं? कहीं कहीं हम तजाद की शनाख्त में या तशखीस में, तजाद की तशखीस में भी हमसे तसामुह होता है, तसामुह हो जाता है। मसलन
हम दो ऐसी चीज़ों को मुतज़ाद कह देते हैं कभी कभी, मिसाल के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ, गुफ्तगू कहीं और काफ़ी दूर जानी है। हम कभी कभी कहते हैं कि इल्म और शुजात में तज़ाद है, ये गलत तसव्वुर है। आम तौर पर खुतबा और शुआरा ऐसी बातें कहते हैं, जैसे कल मैंने अर्ज़ किया था कि इश्क और अक्ल में तज़ाद शुआरा खूब पेश करते हैं। मेरे सामने शुआरा तशरीफ़ फरमाए, इश्क और अक्ल में तज़ाद नहीं है, तज़ाद नहीं है, अक्ल और इश्क में तज़ाद नहीं है, वहदत है। इश्क खामोश का नाम अक्ल है, अक्ल गोया का नाम इश्क। इश्क साकिन का नाम अक्ल है, अक्ल फ़ाल का नाम इश्क। वहदत का रिश्ता है, तजाद का रिश्ता नहीं है। इसी तरह इल्म और शुजात, शुजात पाई जाती है ना, एक सिफत है जो पाई जाती है, इल्म एक सिफत है जो पाया जाता है, तो इल्म भी पाया जाता है, शुजात भी पाई जाती है, दोनों में तजाद कैसे होगा? अगर एक दूसरे की जिद ठहरे तो एक पाया जाएगा तो दूसरा नहीं पाया जाएगा। तजाद का रिश्ता होगा तो एक पाया जाएगा तो दूसरा नहीं पाया जाएगा, लेकिन जब दोनों पाई जाने वाली चीजें हैं तो फिर दोनों में तजाद का रिश्ता नहीं, दोनों में तनाकुज का रिश्ता नहीं हो सकता। और इसीलिए ये गलत तसव्वुर है, कतअन गलत तसव्वुर है कि जहां इल्म होता है शुजात नहीं होती, जहाँ शुजात होती है इल्म नहीं होता। बहुत से लोग मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए कहते हैं कि दुनिया में कहीं हमें ऐसी मजमूए अज़दाद शख्सियत नज़र नहीं आती जैसी आपकी शख्सियत थी, कि इल्म दुनिया में बहुत से लोगों में पाया जाता है मगर शुजात नहीं होती, शुजात बहुत से लोगों में होती है मगर इल्म नहीं होता है। मगर वो एक शख्सियत थी जिसमें इल्म भी था शुजात भी थी। ये वजूदियात और सिफात वजूदिया के अदम इरफान की बिना पर यह तसव्वुर कायम है। अली मजमूए अजदाद नहीं, अली पैकर वहदत का नाम है। अली उस पैकर वहदत का नाम है जहां सिफात वजूदिया उस तवाजुन के साथ नजर आती हैं कि उनमें तजाद मिट जाता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तजाद नज़र तब आता है जब सिफात वजूदिया में तवाजुन न हो, तब शुभे तजाद पैदा होता है। तजाद का धोखा क्यों होता है? जहाँ तवाजुन न हो, इल्म जितना हो उसके बराबर की शजाअत न हो, तब तजाद नज़र आता है। होता नहीं, नज़र आता है। जितनी शजा जितनी कुव्वत हो उतना इल्म ना हो, तब तजाद नजर आता है। और जहां इल्म और कुव्वत बराबर से हो वहां तजाद पैदा ही नहीं हो सकता,
कुव्वत उतनी ही जाहिर होगी जितना इल्म का तकाजा होगा। उतनी ही कुव्वत का इजहार जितना इल्म का तकाजा हो, वही है शुजाअत। शुजाअत की तारीफ ही ये है, और शुजाअत सिर्फ वो सिफत है जो इंसान में पाई जाती है, गैर इंसान में ये सिफत नहीं पाई जाती। ये शुआरा और ओदबा और खुतबा की आजिज़ी है, ये इज्ज़े कलाम है कि हम किसी बशर की शजाअत की जब बात करते हैं तो शेर से तशबीह देते हैं। शेर में शजाअत नहीं पाई जाती, दरंदगी पाई जाती है। शेर शुजा नहीं होता, दरिंदा होता है। इंसान शुजा होता है, दरिंदा नहीं होता। तवज्जो है, इंसान शुजा होता है। ये वो सिफत है जो रब अकबर ने सिर्फ इंसान को दी है। ये उन इजाजात में है, उन इफ्तिखारात में है कि जो इंसान को आता हुए। हैवान दरिंदा होता है, क्यों? जब उसे भूख लगती है, भूखा होता है, तो वो ये नहीं देखता कि ये गोसफन जो आ रहा है इसके पास औलाद है कि नहीं। शेर जब उसे भूख लगी या भूख नहीं भी लगी, जंगल का बादशाह है। ये पुरानी ताबीर थी, आज भी सच्ची है। और जिन इंसानों में दरंदगी होती है वो जंगली के बादशाह होते हैं। उन्हें गुलशन भी दे दो तो जंगल बना देते हैं। वो सिर्फ शुजा इंसान होते हैं जो जंगल को, वीराने को गुलशन बना देते हैं। वो शुजा इंसान। दरिंदे की सिफत क्या है? उसे भूख लगी या गुस्सा आ गया। भूख नहीं थी, सैराब था शेर, मगर सामने से गोसवन गुजर गया, वो उसे चीर फाड़ के फेंक देगा, है ना? ये नहीं सोचेगा कि इस गोसफन के पास बच्चे भी हैं कि नहीं। कोई बकरी जा रही है, उस बकरी का कोई बच्चा भी है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो ये बकरी मर जाए तो इसके बच्चे भूखे प्यासे मर जाएंगे, वो ये नहीं सोचता। लेकिन जो इंसान है और शुजा इंसान है, इल्म और शजाअत का जहाँ तवाज़ुन कायम है, वो मैदान जंग में भी सिर्फ मौजूदा नस्लों को नहीं, सुल्म में पाई जाने वाली नस्लों को देख लेता है और तलवार चलाता है। तो ये देखकर अगर किसी काफिर के सुल्म में भी मोमिन पैदा होने वाला होता है तो उसे कत्ल नहीं करता, इसे शुजा कहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद। परवरदिगार आपकी जहानतों में और बरकत अता फरमाए।
मैं तो इशारे करता जाता हूँ और आप तारीख पढ़ते जाते हैं। ये तो तारीख है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरबियत की थी, क्या तरबियत की थी, क्या तरबियत की थी। जैसे हुजूर अपनी ज़बान चुसा दें, जैसे हुजूर अपनी आगोश तरबियत में परवान चढ़ाएं, या जो हुजूर के साये आतिफत में भी परवान चढ़ जाए, उनका कमाल अजब होता है। मगर आगोश में परवान चढ़ना और साये दीवार में परवान चढ़ने में कुछ फ़र्क तो होगा। दुनिया का कौन इंसान है जो इस फ़र्क को मिटा दे। आगोश में परवान चढ़ना और साये दीवार में परवान चढ़ना, दोनों में फ़र्क है। जो आगोश में परवान चढ़ता है उस पर शख्सियत होता है, और जो हमसाये में परवान चढ़ता है उस पर दीवार का साया पड़ता है। दुनिया का कौन आलिम है, कौन दानिश्वर है, कौन मुफक्किर है, कौन शायर है, कौन अदीब है जो इस फ़र्क को मिटा दे। शख्सियत के साए में परवान चढ़ना और है, दर व दीवार के साए में परवान चढ़ना और। दोनों का मुआजना कर लीजिए। हुजूर की मौजूदगी में जंग हो रही है, कोई और नहीं, हज़रत अम्मार यासिर अमीरुल मोमिनीन से मुखातब होते हैं। अबुल हसन, आज आपने कितने कत्ल किए? मौला ने तादाद बताई, बल्कि दूसरी रिवायत में यह है कि मौला ने तादाद नहीं बताई, मुस्कुराते रहे। तो हमारे यासिर ने कहा, मैं गिन रहा था। कैसे गिन रहे थे, अंदाज तो देखिए। अली की शान ये थी कि जब कोई मुशरिक और काफिर कत्ल होता था तो अली तकबीर कहते थे, अल्लाहु अकबर। तकबीर कहते। अब एक नारे तकबीर भी तो लगाइए। हमारे यासिर ने कहा, मैं आपकी तकबीर सुन रहा था और तकबीरें गिन रहा था। या अली, मैं अर्ज़ करूं, आज जितने कत्ल आपने किए उतने ही मैंने किए। मौला मुस्कुराए और फरमाया, हमारे यासिर, तुम्हारे सामने जो आया तुमने कत्ल कर दिया, और मेरे सामने जो आता था मैं पहले देखता था कि इसकी नस्ल में कहीं कोई मोमिन पैदा होने वाला तो नहीं। इसकी नस्ल में कोई मोमिन पैदा होने वाला तो नहीं है, यानी न जाने कितने अपनी औलाद के तवस्सुल से बच गए। ज़रबते अली से न जाने कितने अपने आने वाली नस्लों के तोफ़ैल में बच गए।
ऐसा नहीं था कि अली के सामने जो आए कत्ल कर दें। यह थी अली की शजाअत, शजाअत। यह बात मैंने इससे पहले भी दो एक जगह कही कि शजाअत सिर्फ वो सिफत है, वो सिफत है जो सिर्फ इंसान में पाई जाती है। शेर में जो सिफत पाई जाती है वो दरिंदगी कहलाती है। कुछ लोगों ने फौरन एतराज़ किया, सवालात भेजे कि फिर मौला अली को शेर खुदा क्यों कहते हैं। एक बलंदर सलावत पढ़ दीजिए। तो मैंने आखिरी जुमला गालिबन ये कहा था कि शेर खुदा दो शख्सियतों का लकब है। शेर खुदा हज़रत हमजा सैयदुश्शहदा, हज़रत हमजा भी शेर खुदा थे। असदुल्लाह व असदु रसूलिह, अल्लाह का शेर अल्लाह के रसूल का शेर। और उसके बाद ये लकब मौलाए मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब। असदुल्लाह व असदु रसूले, जवाब एक जुमले में है और वो इसी जुमले में है। शेर कहना हमारी आजिज़ी है, हमारे पास और कोई लफ्ज़ ही नहीं था इनकी शजाअत को दाद देने के लिए, मगर हमारी आजिज़ी को अज़मत निस्बत व इज़ाफ़त ने दूर कर दिया। शेर खुदा कहा है, शेर दरिंदा तो नहीं। निस्बत व इज़ाफ़त, जंगल का शेर नहीं कहा है। सिर्फ कभी भी ये नहीं कहते हम, कभी भी इस्लामी लिटरेचर जो जिम्मेदार शुअरा और अदबा का तख्लीक करता है उसमें कहीं सिर्फ अली को शेर नहीं कहा गया है। आम आदमियों को जब हम दाद देते हैं, अरे क्या कहना, जैदुन असद, जैदुन कल असद, जैद शेर है, जैद तो शेर जैसा है। हम किसी का भी नाम लेते हैं तो उसे कह देते हैं शेर है शेर, वो बंदा बहुत बहादुर है, शेर है शेर। कभी अली को सिर्फ शेर नहीं कहा। अगर सिर्फ शेर कहते तो अली की तौहीन थी। जब भी कहा शेर खुदा कहा, तो हमारी आजिज़ी तो थी, ज़बान का सरमाया हमारा महदूद है। और चूंकि ख़ुद ज़बान का सरमाया महदूद है इसलिए ये मजबूरी बार बार सामने आती है। ये भी ज़बान की मजबूरी है कि हम मुहम्मद को बशर कहते हैं। और इस मजबूरी को दूर करने के लिए क्या कहते हैं, खैरुल बशर।
ज़बान में हम आजिज़ होते हैं तो कोई सूरत निकल आती है आजिज़ी से बचने की या दूर करने की। तो शजाअत मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो सिफ़त है जो सिर्फ़ इंसान में पाई जाती है। इसकी तारीफ़ यह है कि जितनी ज़रूरत हो उतनी क़ुव्वत ज़ाहिर की जाए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा क़ुव्वत ज़ाहिर की गई तो शजाअत नहीं होगी, ज़रूरत से कम क़ुव्वत का इजहार हुआ तो शजाअत नहीं होगी। और इसीलिए अरबी में दूसरा कलिमा तहव्वुर का है। तहव्वुर मीरनीस का मशहूर मतला है, बखुदा फारिस मैदान तहव्वुर था हुर। अब शुअरा और उदबा बैठे हैं, इनसे पूछिए। मैं इस मिसरे को अगर यूं पढ़ूं, बखुदा फारिस मैदान शुजाअत था हुर, तो क्या मिसरा वज़न से ख़ारिज हो जाएगा? क्या बहर बदल जाएगी? न बहर बदलेगी न वज़न से ख़ारिज होगा। फिर अनीस जैसा शायर जिसका तुर्रे इम्तियाज़ यह है कि सलासत व फसाहत उनके कलाम में सबसे ज़्यादा थी। हज़रत मिर्ज़ा दबीर पे उनको फोकियत ही दी जाती थी कि वहाँ ताक़ीद लफ्ज़ी ज़्यादा है, वहाँ ज़बान मुश्किल है, अनीस के यहाँ सलासत ज़्यादा है। तो सलासत का तकाजा क्या ये था कि जो लफ्ज़ जो कलिमा उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता डिक्शनरी से निकाल के उसे इस्तेमाल किया जाए? तवज्जो है, ये तो नहीं था। तहव्वुर उर्दू में ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होता, ना उस वक्त इस्तेमाल होता था ना आज इस्तेमाल होता है। हो सकता है बहुत से लोगों ने अपना नाम तहव्वुर रखा हो लेकिन मानी ना जानते हो। तो तहव्वुर का कलिमा अनीस ने इस्तेमाल किया, शुजाअत का कलिमा इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कि ये मरसिया हुर की शान में था और हुर की शख्सियत वो है जिसने कुव्वत का इजहार दो मौक़ों पर किया। जब हुसैन के काफिले को रोकने के लिए कुव्वत का इजहार किया, वो इजहार का बेजा इस्तेमाल था, वो कुव्वत का बेजा इजहार था। हुसैन के खिलाफ जब कुव्वत इस्तेमाल की जाए वो कुव्वत का गलत इस्तेमाल है। और के चूंकि दोनों किरदार तारीख में मौजूद हैं, पहले जनाब सैयदुश्शुहदा के काफिले को रोका, बजोर रोका, बजबर रोका, उसके बाद अपनी कुव्वत का इजहार इमाम के हक में भी किया। तो चूंकि बहरहाल कुव्वत का इजहार हक में भी किया मगर ना हक भी कुव्वत का इजहार कर चुके थे, इसलिए अनीस जैसे आरिफ शायर की नजर में हुर तहव्वुर से मुत्तसिफ हो सकते थे, शजाअत से नहीं। आप देखिए कहीं अब्बास की शान में तहव्वुर का लफ्ज आया है? बस अब ठहरिए, यहां तक बात आ गई, सिर्फ बात से बात निकलती चली आई तो आ गई। अर्ज ये कर रहा था कि परवरदिगार आलम ने इंसान को जो अजमत अता फरमाई, मुखातब करार दिया, मुकल्लफ करार दिया, जो शख्सियत अता की उसे जहन भी दिया, कल्ब भी अता किया। जहन दिया इल्म और इरफान के लिए, कल्ब अता किया मोहब्बत और इश्क के लिए, और उसके बाद अपनी तरफ से मुकल्लफ करार दिया, अपनी तरफ से मुकल्लफ करार दिया। तो क्या चाहा कि हम उसकी इताअत करें बकद्र मारिफत, जितनी मारिफत बढ़ती चली जाएगी बंदगी की जिम्मेदारी बढ़ती चली जाएगी। जितना इल्म बढ़ता चला जाएगा उतने फरीजे बढ़ते चले जाएंगे, उतनी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएंगी। तवज्जो है। और ये जो आया अमानत है, इन्ना अरज़ना अमानत अला समावाति वल अर्ज़ वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा वअशफ़क़ना मिन्हा
यहाँ अजमत इंसानी तो गुफ्तगू किसी हद तक हो चुकी, लफ्ज़ अमानत पर तवज्जो दें। ये अमानत से मुराद क्या है? परवरदिगार भी गोया एक खास अंदाज से फरमा रहा है कि तुम देखो तो सही अपनी आजमत को, गौर तो करो और हमारे लुत्फ करम को तो देखो। हमने तुम्हें अमानत सुपुर्द की। जो शुआराए अहले मारिफत हैं दुनिया में, तसव्वुफ और इरफान की शायरी का एक तसलसल रहा है। और हाफिज़ शिराज़ी बहुत मशहूर और मारूफ शायर हैं, उन्होंने खसूसियत के साथ इस आयत को पेश नज़र रख कर शेर कहा, आसमां बार अमानत न तवानिस्त कशीद, क़ुरए कार बना में मने दीवाना ज़दंद, जो बार अमानत आसमान न उठा सका उस बारे अमानत को उठाने के लिए कुरआ मुझ दीवाने के नाम पर डाला गया। हाफिज ने भी आरिफ होने के बावजूद खुद को दीवाना कहा है। कल की तकरीर से तसलसल बरकरार रहे, कुरए कार बनामे मने दीवाना ज़दंद, शायर अहले इरफान का है, आरिफ शायर है, आरिफ होने के बावजूद खुद को दीवाना कह रहा है, तो ये दीवानगी से नहीं कह रहा है, दानाई से कह रहा है। बहुत मशहूर शेर है ये हाफिज का, और इसे भी इंसान के एजाज़ और एहतराम और इंसान की अजमत के एतबार से पेश किया जाता है कि इंसान वो वजूद है कि जिसे बारे अमानत उठाने के लिए मुंतखब किया गया, या इंसान ने ख़ुद को पेश किया बारे अमानत उठाने के लिए। वह हमल अहल इंसान, इंसान ने ये बारे अमानत उठाया। ये क्या है बारे अमानत? और देखिए ये ख्याल गज़ल ही में ज़ाहिर किया है हाफिज़ ने। तसव्वुफ़ ता तगज़ल, बस रमूज अस्त, बहुत असरार और रमूज हैं तसव्वुफ से तगज़ल तक। और मैं तो ये कहीं लिख भी चुका हूँ एक मज़मून में, और अर्ज़ भी कर रहा हूँ कि जिसे आरिफाना तगज़ल कहते हैं, इरफानी शायरी, उसका जवाज़ ख़ुद क़ुरान ने फराहम किया है, और वो भी इसी आयत में। ख़ास तौर से वो डिक्शन मुकर्रर कर दिया, वो उसलूब कलाम। गज़ल में अभी मैं शुरू में कह रहा था ना कि गज़ल में वफ़ादार आशिक को बेवफा कहता है माशूक, और माशूक का बेवफा कह के पुकारना सनद वफा बन जाता है। यहाँ भी एक तरफ कहा जा रहा है कि हमने अमानत पेश की आसमानों के सामने, ज़मीनों के सामने और पहाड़ों के सामने, और किसी ने ना उठाया, सब ने इनकार किया। फ़अबैना अन यहमिलना, इनकार किया, इम्तनाना, और वह हमलहल इंसान, इंसान ने उठा लिया वो बारे अमानत। तो अब दाद देनी चाहिए ना, और क्या कहना इंसान का, बड़ा आलिम और बड़ा शुजा है इंसान। कहा गया इन्नहू काना ग़लूमन जहूला, और वो तो बड़ा ही सितमगर और बड़ा ही नादान है। क्या दाद देने का अंदाज है! यानी वो अमानत जो आसमान के आसमानों के सामने पेश की, वो अमानत जो ज़मीन के सामने पेश की, वो अमानत जो पहाड़ों के सामने पेश की, और इन सब ने इनकार किया और लरस गए, लरस गए। तो इसके मुकाबले में दो सिफतें होनी चाहिए थी इंसान में, एक दानाई, एक शुजाअत। कहना चाहिए था और देखो इंसान कैसा आरिफ और कैसा शुजा है,
कैसा दाना कैसा बाहिम्मत है, कैसा हकीम कैसा बा हौसला है, ये कुछ नहीं कहा का इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, वो तो बहुत ही बड़ा सितमगर बहुत ही बड़ा नादान है। मैं कहता हूं कि इरफानी शायरी की बुनियाद यहीं पड़ गई। अब जब किसी को दाद देनी हो तो समझ लीजिए कि इस अंदाज से भी दाद दी जा सकती है। मगर ये दाद वहां दी जाती है, अहम मसला है, जहां हकीकत मौजूईयत के सांचे में ढली हुई हो, मारूजियत ना हो। मौजूईयत, मौजूईयत यानी हकीकत निस्बी हो, हकीकत इजाफी हो, हकीकत रिलेटिव हो। रिलेटिविटी का तसव्वुर रहे, फिजिक्स वाली रिलेटिविटी नहीं, अगर ये लफ्ज़ मैंने मुस्तआर वहीं से लिया है, मुस्तआर वहीं से है। रिलेटिव हकीकत हो, मौजूईयत पाई जाए उसमें। क्यों, ये क्यों अर्ज कर रहा हूं, इसलिए कि दोनों जिहतें हैं। परवरदिगार ने ऐलान फरमाया कि हमने ये अमानत पेश की आसमानों के सामने। अमानत का लफ्ज है, अमानत का लफ्ज, अमानत, अमानत के लिए, अगर ये लफ्ज़ मैंने मुस्तआर वहीं से लिया है, मुस्तआर वहीं से है। रिलेटिव हकीकत हो, मौजूईयत पाई जाए उसमें। क्यों, ये क्यों अर्ज कर रहा हूं, इसलिए कि दोनों जिहतें हैं। परवरदिगार ने ऐलान फरमाया कि हमने ये अमानत पेश की आसमानों के सामने। अमानत का लफ्ज है, अमानत का लफ्ज, अमानत, अमानत के लिए जरूरी है अमानतदारी, और अमानतदारी के लिए दो चीजें जरूरी हैं, अमानत की कदर शनासी और महफूज रखने की कुव्वत। अमानत की कदर शनासी और अमानत को महफूज रखने की कुव्वत, दो चीजें जरूरी हैं। तो जनाब वाला अमानत का कलिमा इस्तेमाल हुआ और परवरदिगार ने कहा हमने आसमानों के सामने पेश की अमानत, हमने जमीन के सामने पेश की, हमने पहाड़ों के सामने पेश की। इन सब ने इनकार किया और लरज गए। क्यों इनकार किया, क्यों लरज गए, इसलिए कि आसमान जमीन पहाड़ ये चीजें न इल्म रखने की इस्तेदाद रखती हैं न कुव्वत। वो मलिका ही नहीं है। जमीन को मुत्तसिफ किया जाएगा कि ये जमीन बड़ी आलिमा है, ये जमीन बड़ी आरिफा है, इस जमीन से शजरे इल्म रोईदा होता है, नहीं। ये पहाड़ इल्म रखता है, नहीं। पहाड़ ना इल्म रखता है ना कुव्वत ना इरादा, और इसीलिए ना उसकी तरफ निस्बत दी जाती है मारिफत की, और अगर कोई उससे टकरा जाए तो टकराने वाले को मलामत की जाती है, पहाड़ को जालिम नहीं कहा जाता। तवज्जो है, जालिम उसे कहा जाएगा जो इल्म रखता हो, कुव्वत रखता हो और कुव्वत का गलत इस्तेमाल करे। पहाड़ से कोई टकरा के पाश पाश हो जाए, पहाड़ बेखता बेकसूर, कोई नहीं कहेगा बड़ा जालिम पहाड़ है। जालिम तो वो था जो जाके पहाड़ से टकराया। नादान तो वो था जो पहाड़ से जाके टकराया। और फरमा रहे आप, तो परवरदिगार आलम ने अमानत पेश की आसमानों के सामने, उन्होंने अपने लिसान वजूद से, जबान हाल से, लिसान तकवीन से इनकार कर दिया। कहा ना हम अमानत की कदर शनासी रखते हैं ना अमानत को महफूज रखने की कुव्वत। जमीन के सामने पेश किया, जमीन ने इनकार कर दिया। पहाड़ों के सामने पेश किया, पहाड़ ने इनकार कर दिया।
कि हम ना इस अमानत की कदर पहचानते हैं और ना हिफाजत की कुव्वत रखते हैं। तवज्जो है, वह हमल हल इंसान, इंसान ने बढ़ के ये अमानत उठा ली और खुदा को मालूम था कि ये अमानत में खयानत करेगा। तवज्जो रहे, पूरी तवज्जो रहे। कुरान मजीद की यह आयत बहुत फ़िक्रंगेज़ है, फ़िक्रंगेज़ तरीन मकामात में से एक मकाम है ये, और तमाम इंसानों की बात है यहाँ पर, न सिर्फ मुसलमान की बात है, न किसी ख़ास मसलक के मुसलमान की बात है। वह हमला हल इंसान, इसलिए ये मौजू, ये आयत ऐसी है जिस पर खूब गुफ्तगू होनी चाहिए, और ये मालूम होना चाहिए कि वो अमानत क्या है, और ये मालूम होना चाहिए कि अमानत उठाने वाले को फिर जलूम और जहूल क्यों कहा गया। इन्नहु काना वलूमन जहूला, कुरान की आयत है मौलाना, रूम की शायरी थोड़ी। कुरान की आयत है, इन्नहु काना वलूमन जहूला, इंसान तो बड़ा ही सितमगार और बड़ा ही नादान है। दोनों मुबालगे के सिगे हैं, वलूमन जहूला। अब अर्ज करूँ, बात फिक्री है, बात बहुत फिक्री है, और इसलिए बहुत तवज्जो से समाअत फरमाएं। और आयत क्या है, इन्नहू काना, अरबी ज़बान की गहराई तो अलामान अलहफीज़ है। और मैं इस वक्त क्या अर्ज़ करूँ कि यहाँ काना के कलेमे ने कितनी क़यामत ढा दी है। इन्नहु काना वलूमन जहूला, और परवरदिगार अपने इल्म का ऐलान कर रहा है यहाँ पर कि इसने अमानत उठा तो ली, मगर मेरे इल्म में है कि ये अमानत दारी का हक अदा ना कर सकेगा। ये तो सितमगार है, ये खयानत करेगा, कदर शनासी भी ना कर पाएगा, हिफाजत भी ना कर पाएगा। इसीलिए दो कलमे इस्तेमाल किए, कदर शनासी ना कर पाएगा जहूला, हिफाजत ना कर पाएगा जलूमा। गौर फरमा रहे हैं आप? अच्छा, अब ये कि क्या सबके सब इंसान ऐसे ही होंगे? मसले से मसला पैदा होगा, क्या सब इंसान ऐसे ही होंगे? नहीं होंगे ना, कुछ तो होंगे जो कदर शनासी कर सकेंगे, कुछ तो होंगे कि जो हिफाजत कर सकेंगे। लेकिन यहाँ आम कलिमा क्यों आया, यहाँ कोई एक्सेप्शन क्यों नहीं है? इन्नहु काना वलूमन जहूला, अगरचे इसके बाद वाली आयत में एक्सेप्शन है, لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا। تسلسل آیت کا پیش نظر ہے، یہ بعد کی آیت ہے، معن بعد کی، سورہ احزاب کی آخری آیت، یہاں سورہ احزاب ختم ہوتا ہے، और इससे फौरन पहले की दो आयतें भी पढ़ लें। आया या अमानत से पहले वाली कहां से शुरू होती है बात, या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह वकूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिअल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़ान अज़ीमा। इन्ना अरज़ना लमानत अला समावाति वल अर्ज़ वल जिबाल। तसलसल पेश नज़र है, जाके कुरान मजीद देखिएगा। और यही नहीं, इस तसलसल को और इसके मानवी तसलसल को, इसके इरफानी तसलसल को अगर पूरी तरह दर्क करना हो तो सूरह अहज़ाब की पहली आयत से शुरू कीजिएगा।
जो लोग नज़्म कुरान के नज़रिए के साथ तफसीर कुरान करते हैं उनके लिए और ज़्यादा गौर तलब बात है, और उनसे मैं कहूँगा कि सिर्फ आये इस आये अमानत को समझने के लिए इससे पहले की दो आयतें नहीं, सूरह अहज़ाब का मतला नहीं, आये मवद्दत तक और आये विलायत तक जाना पड़ेगा। इस आयत को नज़्म-ए-कुरान कुरान की हर आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है। कुरान बेरब्त कलाम का नाम नहीं है, कुरान शायरी नहीं है, कुरान गजल नहीं है, कुरान ने गजल कहना सिखाया है, खुद गजल नहीं है। ये नहीं है कि एक शेर का दूसरे शेर से कोई ताल्लुक नहीं है, बेरब्त कलाम है। बिस्मिल्लाह से शुरू कीजिए, सूरह हम्द से शुरू कीजिए और फिर आए अमानत तक आइए और वन्नास तक जाइए, फिर ढूंढिए कि अमानत किसको कहा। कौन सी चीज है जिसे अमानत कहा? अल्लाह ने नमाज वाजिब की तो नमाज का नाम लिया, अकीमुस्सलात। रोज़ा वाजिब किया तो रोज़े का नाम लिया, कुतिब अलैकुमुस्सियाम। ज़कात वाजिब की तो कहा आतुज़्ज़कात। हज वाजिब किया तो कहा कि हज करने जाओ। जितने फ़राइज़ वाजिब करार दिए सबका नाम लिया। अब कौन सी चीज़ है जिसे सिर्फ अमानत कह के छोड़ दिया? ये भी उसकी शान रुबूबियत है। रब किसे कहते हैं जो परवान चढ़ाए, अक्ल दी थी, इल्म दिया था, इश्क अता किया था, तो दोनों के लिए एक अंगेज़े इर्तका मुकर्रर कर दिया। एक ऐसी बात कह रहा हूं कि तुम बेचैन रहो, मारिफत हासिल करते रहो, इश्क के साथ, इश्क के साथ ढूंढते रहो कि मेरे रब ने क्या कहा है, वो कौन सी अमानत है जिसका बार हमारे ऊपर है। जब तक जुस्तजू बेदार रहेगी तुम्हारे इल्म में इजाफा होता रहेगा, मारिफत में इजाफा होता रहेगा, इश्क परवान चढ़ता रहेगा। तरबियत का तरीका है, मुसलसल इंसान बेदार रहे, गाफिल ना हो, मुसलसल मारिफत में इजाफा करता रहे, गाफिल ना हो। तवज्जो है, इसलिए एक ऐसा कलिमा रखा कि जो बज़ाहिर उसकी तफसीर मुश्किल नज़र आती है मगर बबातिन मुश्किल नहीं है, दर हकीकत मुश्किल नहीं है। उसी आयत में, उससे पहले वाली आयत में मौजूद है। इस अमानत से और कुछ मुराद नहीं है सिवाय इताअत के। इताअत, अमानत से मुराद है इताअत, बंदगी, फरमा बरदारी, तकालीफ़ शरिया को अंजाम देना। तवज्जो रहे, आयतें इब्तिदा की क्या हैं? या अय्युहल लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। ए ईमान लाने वालों, अल्लाह की खातिर, अल्लाह के लिए, अल्लाह का वास्ता, वो तरीक़े ज़िंदगी इख्तियार करो कि ज़ाया होने से बच जाओ। तक्वा किसे कहते हैं? तक्वा किसे कहते हैं? तक्वा हिफाजत हयात का रास्ता। वो लाइफ स्टाइल इख्तियार करो कि तुम ज़ाया ना हो, तुम जाया ना हो, तुम्हारा अमल जाया ना हो, तुम बर्बाद ना हो। खुदा के लिए तकवा इख्तियार करो, खुदा के लिए तकवा इख्तियार करो। खुदा को किस चीज़ की ज़रूरत है? खुदा के लिए तकवा इख्तियार करो। हम आपस में कभी गुफ्तगु नहीं करते जब कोई गलती करता है? अरे खुदा के लिए सोचो तो सही, तुम क्या कर रहे हो? तवज्जो है, खुदा के लिए तकवा इख्तियार करो, बखातिर खुदा अपने को ज़ाया होने से बचाओ, बर्बाद होने से बचाओ।
वो रास्ता अख्तियार करो कि जिसमें ज़िंदगी और तुम्हारा वजूद सलामत और महफूज रहे। वकूलू कौलन सदीदा, और वो बात कहो जो दुरुस्त हो और सच्ची हो। और जब ये दो काम करोगे तो फिर करम इलाही क्या होगा, युसलिह लकुम अमालकुम, तुम्हारे तमाम अमाल को वो बारवर करार देगा, कोई अमल जाया नहीं होगा, कोई अमल बेकार नहीं होगा, सूदमंद होगा, मुसमिर समर होगा, नतीजा खेज होगा। तवज्जो है, युसलिह लकुम अमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारी लग्जिशों से दरगुजर करेगा, तुम्हारी खताओं पे पर्दा डाल देगा, तुम्हारे गुनाहों को छुपाएगा। क्या करम इलाही है, क्या करम इलाही है। और उसके बाद एक कुल्लिया दिया, वमन युतिअल्लाह व रसूलहु, और जो भी अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की इताअत करे, फकत फाजा फौजन अजीमा, वही फौजे अजीम के दर्जे पर फायज होगा, वही कामयाब तरीन शख्स होगा जो अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह के रसूल की इताअत करे। इन्ना अरज़नल अमानता, हमने यही इताअत अमानत की शक्ल में पेश की आसमानों के सामने। हमने ये इताअत आसमानों के सामने पेश की, जमीन के सामने पेश की, पहाड़ों के सामने पेश की, वो लरस गए, अरे हम और इताअत खुदा, अरे हम और इताअत मुस्तफा। राज क्या है यहाँ, इताअत किसे कहते हैं? इताअत वो जो अपने इरादे और इख्तियार से की जाए, इताअत वो जो अपने इरादे और इख्तियार से की जाए। इख्तियार किसे कहते हैं? जहां अख्ज़ और तर्क का मसला दरपेश हो और इंसान अपने इल्म से फैसला करे कि ये लेना है ये छोड़ना है। इख्तियार की तारीफ क्या है? दो चीजें हों और हमें इख्तियार दिया जाए, यानी हमें फैसले का हक है कि ये अच्छी है या वो अच्छी, इस चीज को इख्तियार करें या उस चीज को, और जब फैसला करें तो इख्तियार करने की कुदरत भी हो। दो चीजें, इख्तियार करने का फैसला करेगी आकल, इख्तियार करने का इकदाम करेगा इश्क। आसमान लरस गया, जमीन लरस गई, पहाड़ लरस गए, हम ये अमानत ये बार नहीं उठा सकते, हमें तो तू एक कानून का पाबंद बना दे, जैसे कहेगा हरकत करते रहेंगे, जब तक कहेगा हरकत करते रहेंगे, हमें इख्तियार न दे मालिक, हम ये बार नहीं उठा सकते कि तेरे हुक्म में फैसला करें, करें कि ना करें। तवज्जो है, आसमान की सदा थी, मालिक हमें ये इख्तियार न दे, हमें तो कानून का पाबंद बना दे। जमीन ने कहा हमें कोई अख्तियार नहीं चाहिए, हमें कोई मारिफत नहीं चाहिए, हमें मालूम है तू खालिक है, जिस ऑर्बिट पर कहेगा मैं हरकत करती रहूंगी, मुझे फैसला करने का अख्तियार न दे। पहाड़ों ने कहा मुझे फैसला करने का अख्तियार न दे, ये था नादान इंसान जिसने इल्म भी लिया, इख्तियार भी लिया, और खुदा को मालूम था कि ये हक इताअत अदा ना कर सकेगा। तवज्जो है, खुदा को ये इल्म था कि हक इताअत अदा ना कर सकेगा, इसलिए कि मारिफत हासिल करना, हक मारिफत ही किससे अदा होता है, फिर मारिफत की रोशनी में इंतखाब करना, और वो भी उसके हुक्म में इंतखाब,
उसके हुक्म में इंतखाब हो या रसूल के हुक्म में इंतखाब, कहीं इसकी गुंजाइश नहीं है। आयत क्या है? वमन युति अल्लाह व रसूलहु, और जो भी अल्लाह की इताअत करे और अल्लाह के रसूल की, फकत फाजा फौजन अज़ीमा, वो कामयाब हो गया, अजीम तरीन कामयाबी उसने हासिल कर ली। दोनों शर्तें हैं, खुदा की इताअत, खुदा के रसूल की इताअत। तवज्जो है, खुदा की इताअत, खुदा के रसूल की इताअत, दोनों शर्तें पूरी होंगी तब अजीम तरीन कामयाबी मिलेगी। मायूस नहीं किया उसने कि कोई भी कामयाब ना होगा, का जो इताअत करेगा वो कामयाब होगा, ये पहले कह दिया, वलूमन जहूला बाद में कहा, जो इताअत ना करेगा वो नादान भी होगा, वो सितमगर भी कहलाएगा। तवज्जो है, तवज्जो है। अब एक नुक्ते की बस और वजाहत करके तकरीर को रोक दूं आज, और वो ये है कि आम इंसानों में भी मसला जलूम और जहूल का दो जानेबा है। शेर में तहदारी होती है, एक शेर की कितनी तशरीहें की जा सकती हैं, पूछ लीजिए आप। ये फैयाज तहसीन साहब तशरीफ फरमाएं, वो शाकिर हुसैन साहब तशरीफ फरमाएं, और बहुत से हजरात तशरीफ फरमाएं, आप पूछिए गालिब के दीवान की कितनी शरहें हुई, 20-22 से ज़्यादा तो मुकम्मल शरहें, और नामुकम्मल शरहें तो अभी तक वाकई गिनी नहीं जा सकती। गालिब के एक एक शेर में इतने मजामीन मौजूद हैं, कलाम खुदा में कितनी गहराई होगी। कितनी गहराई होगी इकबाल के एक एक मिसरे में, कितनी गहराई है कलाम खुदा और कलाम रसूल में, कितनी गहराई होगी। इसीलिए सिर्फ एक खत का तर्जुमा पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, और तर्जुमा पढ़ के इज्तिहाद करना गुमराही है। सिर्फ तर्जुमा पढ़ के मुज्तहिद न बन जाइए, तवज्जो रखिए। तहदारी क्या है? आम इंसान के मुताल्लिक खुदा को इल्म था कि ये ना मारिफत का हक अदा कर सकेगा ना इताअत और बंदगी का, ना अमानत की कदर शनासी करेगा ना अमानत की हिफाजत। और दूसरा पहलू यह है कि अगर कोई मारिफत हासिल भी करना चाहेगा और कदर शनासी करना भी चाहेगा, अमानत की हिफाजत करना भी चाहेगा, तो अमानत इतनी अजीम है कि खुद कहेगा परवरदिगार तेरी इताअत का हक हम कहाँ अदा कर सकते हैं। यह है सब्जेक्टिविटी, यह है मौजूदियत कि मोहम्मद अरबी भी कहता है मारफना का हक का मारिफत एक, ए परवरदिगार तेरी मारिफत का हक मुझसे अदा ना हो सका। ए माबूद तेरी इताअत और बंदगी का हक मुझसे अदा ना हो सका। तवज्जो है, बस गुफ्तगू यहां रुक गई आज। वलूमन जहूला, ये तगज़ुल की जबान है, जिसने इताअत का हक अदा किया उसको भी इसी से खिताब किया गया, और जिससे इताअत का हक अदा ना हुआ उसके लिए भी ये कौल बिल्कुल दुरुस्त। तवज्जो है, बस अब यहां पर जरा सा ठहर जाएं हमारे और आपके लिए। अल्लाह तो वो जात है जिसकी मारिफत के इदराक में कसूर व तकसीर का एतराफ़ मुस्तफ़ा ने किया। और मुस्तफ़ा की शख्सियत क्या हम समझ सकते हैं? पूरी शख्सियत क्या समझेंगे हम? तो मुस्तफ़ा के इसी इजहार इज्ज़े मारिफत को न समझ सके। हश्र तक अक्ल इंसानी मबहूत रहेगी, हैरान रहेगी, अरे मोहम्मद, और कहे परवरदिगार तेरी मारिफत का हक अदा ना हुआ। तवज्जो है, मारिफत की इस मंजिल पर आए
मारिफत व इताअत की इस मंजिल पर आए, खुदा है खुदा, अल्लाह है अल्लाह, अल्लाह सुबहानहु व तआला वो हस्ती है, वो वाजिबुल वजूद जिसके लिए मुस्तफ़ा कह रहे हैं मा अरफना का हक मारिफत, तेरी मारिफत का हक हमसे अदा ना हुआ। गौर फरमा रहे हैं आप, हम न खुदा की मारिफत का हक अदा कर सकते हैं और न रसूल की मारिफत का हक अदा कर सकते हैं और न उस बंदे रसूल की मारिफत का हक अदा कर सकते हैं जिसके लिए दुनिया आज तक हैरान है कि बंदा कहें कि रब। मबहूत हैं जी, हम तो उस बशर का, उस इंसान कामिल का, उस वलीउल्लाह का हक मारिफत अदा नहीं कर सकते कि अली, हा अली उन बशरुन कैफा बशर, हा अली उन बशरुन कैफा बशर, रब्बहू फीह तजल्ला व वहर। देखो तो वो अली कैसा बशर है, बशर तो है मगर कैसा बशर, अली बशर तो है मगर कैसा बशर कि उसके रब ने उसकी जात में तजल्ली की। और तजल्ली की कदर शनासी अली ने क्या की, खुद को सजदा करने की दावत नहीं दी, जिसने अली को खुदा कहा उसे अली ने सजा दी। अज़ीज़ान गिरामी, मुसलमानान अज़ीज़, शियान गिरामी क़ादर, अली को अल्लाह ना कहें गुमराही है, कुफ्र है, शिर्क है, अली अल्लाह नहीं है, अली रब नहीं है, अली रब के वो मुमताज़ बंदे हैं जिस बंदे पे अली, जिस बंदे ने रब अली ने तजल्ली की। अली को अल्लाह ना कहें, अली को नाराज ना करें, अली को नाराज ना करें, इताअत करें, इताअत बंदगी, जिसने इताअत ना की वो कामयाब नहीं होगा, जो इताअत करेगा वही कामयाब होगा। अली ने जो वहदत की राह दिखाई है, अली ने जो इबादत का सलीका दिखाया है, अली ने जो ज़िंदगी बसर करने की तहजीब अता की है, अली ने जो मुस्तफ़ा की कदर शनासी की है कि खुद को कहा मैं तो अना अब्दुम मिन अबीद मुहम्मद, मैं तो मुहम्मद के बंदों में से एक बंदा हूँ, मगर ऐसा बामारिफत बंदा था कि जब रसूल ने हिजरत की तो अमानतें उसके सुपुर्द की। क्यों अमानतें सुपुर्द की, अली अमानत का कदर शनास भी था, मुहाफिजत की कुव्वत भी रखता। अमानत के लिए दो चीज़ें चाहिए ना, अमानत की कदर शनासी या अमानत के बारे में पूरी आगही।
पूरा इल्म और अमानत की हिफाजत की कुव्वत कुदरत। गौर फरमाया आपने, दोनों चीज़ बस एक में थी। जब रसूल जा रहे थे मक्के से तो अली के अलावा कोई ना था जो इतना इल्म रखता हो कि कौन सी अमानत किसकी है। लोग अमानत रखते थे मुस्तफ़ा के पास, इल्म था अली के पास। अमानत मुस्तफ़ा के पास रखी गई, मिली दस्ते अली से, मिली दस्ते अली से। ये पैगंबर ने एक उसूल बना दिया, अगर तुम मुझसे भी कोई लाओ लगाओगे तो अली पूरी करने की कुदरत रख। गुफ्तगु तमाम कर रहा हूँ, मुनक़ते कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ गुफ्तगु कल के लिए। ये याद रखिए, कामयाबी सिर्फ़ बंदगी से मिलेगी, कामयाबी सिर्फ़ इताअत से मिलेगी। खुदा की इताअत, खुदा के रसूल की इताअत, गैर मशरूत इताअत। गैर मशरूत इताअत, और वो भी अपने इख्तियार से इताअत, मारिफत के साथ इताअत। और जितनी मारिफत बढ़ती चली जाएगी उतनी ही इताअत की जिम्मेदारी बढ़ती चली जाएगी। और दो चीज़ें क्यों दी अल्लाह ने, जहन दिया कल्ब दिया, इल्म दिया इश्क दिया, अक्ल दिया मोहब्बत, अक्ल दी मोहब्बत अता की। क्यों? इसलिए कि सिर्फ सिर्फ इल्म के ज़ोर से इताअत ना करो, इताअत करो तो मोहब्बत से करो। तो रोकूं, अल्लाह ने दो चीज़ दी, जहन कल्ब। जहन है इल्म के लिए, कल्ब है इश्क के लिए। रसूल जब दुनिया से जा रहे थे तो दो चीज़ें छोड़ी, किताब और अहले बैत। किताब है इल्म के लिए, अहले बैत इश्क के लिए। किताब से इश्क करो आले रसूल से। और जितनी किताब पढ़ते जाओगे उतना ही इश्क का सलीका आता जाएगा। और जब पूरी किताब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि अमानत विलायत अली ही का नाम है। बस इताअत करो इश्क के साथ, बंदगी करो मोहब्बत के साथ। मसलहत अंदेशी वाली बंदगी बंदगी नहीं होती, मसलहत अंदेशी वाली इताअत इताअत नहीं होती। इताअत वही होती है जो इश्क से इताअत, चाहत से इताअत, चाहत से इताअत। बस मगर इताअत, कहीं इताअत का दामन हाथ से न छूटे।
देखो जितनी मारिफत बढ़ती जाए उतनी ही इताअत बढ़ती जाए। जितनी मारिफत, ज़ैनब से ज़्यादा मारिफत किसे होगी? ज़ैनब का जज्बा एतात देखो, खैमे में आग लगी हुई है और कहती हैं भैया बेटा सैयद सज्जाद बताओ हमारी तकलीफ शरई क्या है, बताओ तकलीफ शरई क्या है, खुले सर हम खैमों से निकल जाए या जलते हुए खैमों में जल के मर जाए। मेरी माएँ मेरी बहनें सुन रही हैं, आप सुन रहे हैं, ज़ैनब की मारिफत, क्या ये छोटा सा मसला ज़ैनब को मालूम नहीं था? मालूम नहीं था? आप गिरिया कर रहे हैं, मैं एक जुमला कह रहा हूँ, ज़ैनब को मालूम था ना ये मसला? पूछ कर अमल क्यों किया? ताकि तकलीद की बुनियाद पड़ जाए। जब हुज्जत खुदा मौजूद हो, एक अथॉरिटी मौजूद हो, तो उससे पूछे बगैर काम ना करो। पूछ कर तकलीद, इताअत, बंदगी। आका आका इमाम वक्त, बेटा तुम इमाम वक्त हो, बेटा बेटा भतीजा छोटा। ज़ैनब इल्म भी रखती है, ज़ैनब बड़ी भी है रुतबे में, तवज्जो है, ज़ैनब इल्म भी रखती है, ज़ैनब बड़ी भी है, और फिर पूछ रही है बेटा तुम इमाम वक्त हो, अब तुम बताओ खुले सर हम निकल जाएं जलते हुए खैमों से या जल के मर जाएं? यह है इताअत, यह है बंदगी। यह और बात है कि जो इताअत और बंदगी करता है उसे एहतराम भी मिलता है, उसे सरफराजी मिलती है। ज़ैनब सैयद सज्जाद से पूछ पूछ के काम करती है ना, तो सैयद सज्जाद ज़ैनब से पूछते हैं, जब शाम से रिहाई का वक्त आया और ज़ालिमे दिमश्क ने, ज़ालिमे शाम ने, मैं हाकिमे शाम नहीं कह रहा हूं, बागिये शाम और ज़ालिमे शाम ने, ताहूते वक्त ने सैयद सज्जाद को बुलाया, जाओ अब तुम्हें अख्तियार है, चाहो करबला जाओ, चाहे मदीने जाओ, चाहे दिमश्क में रहो, अब तुम आज़ाद हो। सैयद सज्जाद इमाम हैं, कबूल कर सकते हैं। कहा मैं ये फैसला खुद नहीं करूँगा, मैं फूफी ज़ैनब से मशवरा तो कर लूँ, फूफी अम्मा जालिम हमें आज़ादी दे रहा है, ज़ालिम आज़ादी दे रहा है, फूफी अम्मा आपका फ़ैसला क्या है? अब इन मुकालेमों में जो गहराइयाँ हैं उन गहराइयों के बयान का वक्त रह नहीं गया कि सैयद सज्जाद ने क्यों पूछा, क्यों पूछा, लेकिन यकीनन जनाब ज़ैनब का दिमश्क छोड़ना भी आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था? अमानत की बात हुई है ना अभी, अरे हुसैन की एक अमानत थी ज़ैनब के पास, और उस अमानत की ज़ैनब से हिफाजत ना हो सकी, ज़ैनब हुसैन से शर्मिंदा है, वो 4 साल की बच्ची कैद खाने शाम में रहलत कर गई। अब सैयद सज्जाद के लिए पूछना जरूरी, फूफी अम्मा क्या आप दिमश्क में रहेंगी या मदीने जाएंगी? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। ज़ैनब ने तामुल किया, गौर किया, फिक्र फरमाई, रबाब से मशवरा किया। रबाब से क्यों मशवरा किया?
अमानत तो ज़ैनब के सुपुर्द की थी, बेटी थी रबाब की। एक जुमला अर्ज करूं, अरबाब वेला आपके एहसासात बेदार हैं, बेटी रबाब की थी सकीना, बेटी रबाब की थी, हुसैन ने सुपुर्द ज़ैनब को की, उसकी वजह दरियाफ्त करना चाहेंगे। चलते वक्त हुसैन ने रबाब से नहीं कहा मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसलिए कि रबाब की दो औलादें थी, दो बच्चे थे रबाब के, एक सकीना एक असगर। रबाब ने असगर हुसैन के सुपुर्द किया था, असगर के गले पे तीर लगा, अब हुसैन कैसे रबाब से कहे अरे बच्ची का ख्याल रखना। इसलिए रुख्सत आखिर के वक्त हुसैन ने रबाब से नहीं कहा, ज़ैनब से कहा बच्ची का ख्याल रखना। सबको सलाम आखिर करके रुख्सत हो गए। अब जब बच्ची कैद खाने में रहलत कर गई, सैयद सज्जाद ने पूछा पुपी अम्मा मदीने जाएं या दिमश्क में रहें? पुपी ने कहा मैं रबाब से मशवरा तो कर लूं। और जब रबाब से मशवरा किया तो रबाब ने सर झुका के सोचा और उसके बाद कहा नहीं, हम दिमश्क में नहीं रहेंगे, मदीने जाएंगे मगर करबला होकर। जवाब बहुत मंतकी है। रबाब ने सोचा यहाँ एक सकीना है, करबला में असगर भी है हुसैन भी। और बस आखिरी जुमला, बस आखिरी जुमला, आप गिरिया करते रहें। सैयद सज्जाद काफिला लेकर बराहे करबला मदीने के लिए रवाना हुए, करबला तक रबाब ने साथ दिया, करबला आके मदीने जाने के लिए इनकार कर दिया, कहा अब सज्जाद सबको लेकर मदीने जाओ, मुझे करबला में छोड़ दो। कहा मादरे गिरामी क्या करेंगी, आप यहाँ तन्हा रहकर क्या करेंगी? कहा मुझसे पूछते हो क्या करेंगी? हुसैन प्यासे शहीद हुए, असगर प्यासा शहीद हुआ, अकबर प्यासा शहीद हुआ, कासिम प्यासा शहीद हुआ, सब प्यासे शहीद हुए। मैं एक खिदमत करूँगी, फरात से पानी लाऊंगी, प्यासों की कब्रों पे छिड़काव करूँगी। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन ले अम्रे। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मारिफ़ अहले बैत से आशना फरमा। माबूद हमारे इस ज़िक्र को कबूल फरमा, हमारी लग्ज़िशों से दरगुज़र फरमा, हमें क़द्र अमानत सिखा दे, हमें अमानत की हिफाजत की क़ुव्वत अता फरमा। माबूद मुसलमानों को तहज़ीब आले मोहम्मद से आशना।